से आगाह करने के लिए तब्दीली सरकार का नया इकदाम। मेट्रो बस और फीडर बसों पर सब्सिडी कम करने की तैयारियां। मुसाफिरों पर 3 अरब 60 करोड़ का इजाफी बोझ डाल दिया जाएगा। तफसीलात से आगाह करेंगे, अवैस विर्क हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस विर्क, आगाह कीजिएगा। बस और इसके साथ साथ फीडर बसों पर सब्सिडी कम करने का प्रपोजल जो है वो तैयार किया है, जबकि तब्दीली सरकार ने मेट्रो बस और फीडर बस का सफर करने वालों पर 3 अरब 60 करोड़ का इजाफी बोझ जो है वो डाला है। मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने प्रपोजल हुकूमत पंजाब को अर्साल किया है, जबकि हुकूमत मेट्रो बस और फीडर बस पर 67 करोड़ रुपए की सब्सिडी जो है वो देगी। मेट्रो बस पर अखराजात अब आवाम से किराए की मद वसूल किए जाएंगे, जबकि मास ट्रांजिट अथॉरिटी के दस्तावेज के मुताबिक हुकूमत सालाना 4 अरब 29 करोड़ मेट्रो बस और इसके साथ साथ फीडर बस पर सब्सिडी दे रही है, जबकि मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने अब 3 अरब 60 करोड़ रुपए की सब्सिडी खत्म करने की तजवीज दी है, जबकि तमाम तर जो तजावीज हैं वो हुकूमत पंजाब को अर्साल की गई हैं। बहुत शुक्रिया आपका वैस विर्क, तफसीलात से आगाह करने के लिए।